इच्छा नहीं थी। मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी संसार में असंभव कार्य नहीं है अगर आप अपने गुरु पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन इसके पीछे पीछे एक और भी कार्य है, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति गुरु की वचनों की बद्धता भी उतनी चाहिए। गुरु तुम्हें ना कहे ये बात मत करो तो तुम मत करो, तो तुम जो कार्य इच्छा करते हो जरूर करेगा। लेकिन गुरु के पास सामने जिद करते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो तुम तुम्हारे पांव पर तुम कुल्हाड़ी मारे हो। गुरु जी ऐसा तुम्हें कभी होने नहीं देता, तुम चाहे गुरु जी को कुछ भी कर लो, गुरु जी चाहता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई उपद्रव ना आए। गुरु जी के रहते हुए तुम कोई ऐसे राक्षस ना बनो जिसके कारण तुम्हारे आज संसार में जितने भी राक्षसों ने क्या किया है वो अपने जिद के कारण बैठे, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए ऐसा वरदान प्रदान करो, ऐसा देवताओं ने मांगा। लेकिन जितने देवता तत्व के ऋषि मुनि थे, प्रभु आपकी इच्छा से जो भी दे वो मैं लेता हूँ कहा, वो देवता कहलाए। हमारे में जिद से जो लिया जाता है वो राक्षस तत्व है। गुरु के माध्यम से गुरु वचनों से गुरु जो अपना कहता है तू ये ले ले, ये अगर ये लेते हैं गुरु भी देता है तो उसमें तेरी अच्छाई भलाई का कारण गुरु सोचता है, गुरु लेता है। यही कारण मातली का कहने पर भी ययाति के साथ हुआ। और जब बाद में ययाति उसके साथ 20,000 वर्ष संसार करने के बाद एक दिन ऋषि अश्रुबिंदु ने फिर कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या है, बोलो बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। तो अश्रुबिंदु ने कहा कि मेरे को लग रहा है कि मैं स्वर्ग वैकुंठ कैलाश आदि सब देख के आऊं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है, चलो हम देख के आएंगे। अरे क्या गार्डन है देखने के लिए, क्या बात कर रही है, क्या स्वर्ग देखने के लिए जाते हैं क्या, कैसा जाते हैं, आजकल सशक्त मनुष्य गया ही नहीं कोई, ऐसे कैसे जाते हैं। महाराज आपने वचन दिया कि हम आप मुझे ले जाएंगे, आप व्याति ने कहा कि ये क्या हो रहा है। तब वे अपने गुरु मातली महामुनि के पास गए, प्रभु ये कैसी औरत को मुझे प्रदान करे, अब वो स्वर्ग जाने के लिए कह रहे हैं। मैं बोला पहले ही बता रहा था तुझे कि ऐसा ऐसे इसमें मत फंस, तो तू तो फंस गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा, उस स्त्री ने कहा अगर तू स्वर्ग ले जाने की बात नहीं करता है तो आज से तेरी मेरी कट्टी, और ये इसके साथ नहीं जी सकते थे। तब मातली महामुनि को कहा कि मैंने वचन दिया है और उस वचन से तो नहीं टूटा हूँ, मुझे आगे क्या करना है। तब मातली महामुनि को एक स्तोत्र देकर कहा भगवान विष्णु को विष्णु की प्रार्थना करो, तुम तो ऐसे स्वर्ग के इंद्र को तो पहले ही जीत लिया हो, स्वर्ग जाने के लिए तुम्हारा बड़ी बात नहीं, लेकिन वैकुंठ कैलाश और ब्रह्मलोक ये तो केवल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं, उनकी स्तुति से ही प्राप्त होते हैं, और इस स्तुति को अगर तुम निरंतर करते रहो तो शायद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपको देंगे। स्वर्ग जाने के लिए तुम्हारे कोई ये नहीं है, इंद्र को एक बार तुम्हारी अस्त्र शस्त्र के बल पर तुम्हें उन्हें बुला लो तो तुम्हें स्वर्ग में जाने का मार्ग सुगम होगा। उन्होंने कहा ययाति को मैं ले जाता हूँ, तो ययाति अपने प्रयाग के पास आए और कहा कि मैं कुछ वर्षों के लिए यहाँ से स्वर्ग को जा रहा हूँ, स्वर्ग वैकुंठ आदि घूम कर आता हूँ प्रजा को कहने। लेकिन प्रजा को एक वचन था, जब तक ययाति पृथ्वी पर है तब तक प्रजा सुखी है, तब तक इस संसार में प्रजा को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर ययाति पृथ्वी छोड़ते हैं तो प्रजा दुखी हो जाएगी। और ये दुख का कारण देखकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप अगर छोड़ के जाते हैं तो हमारा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, हम सब लोग मर जाएंगे। प्रजा इतनी ययाति से प्रार्थना करती थी क्योंकि वो उनके साथ उन्होंने विष्णु भक्ति दी थी और उनके साथ वे पूर्ण रूपेण उनके साथ रहा करते थे। तब ययाति को प्रश्न हो, एक सुंदरी स्त्री के लिए मैंने ये सब छोड़कर उनको ले जाने की बात कही है कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाता हूँ, तो क्या मेरे से उतना ही प्रेम करने वाले इन प्रजा को भी मैं स्वर्ग और वैकुंठ कैलाश आदि नहीं ले सकता, उनको प्रश्न हुआ। उन्होंने तब भगवान विष्णु से कहा या तो मैं आपकी इच्छा मेरी इच्छा पूर्ण करो, नहीं तो मुझे मृत्यु प्रदान करो, मैं मेरी प्रजा के साथ स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश सब देखने के लिए आता हूँ, ऐसा विष्णु भगवान से प्रार्थना। संसार में पहले राजा ऐसे हुए जो अपने प्रजा को लेकर उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ और सारे भू कैलाश और ब्रह्मलोक को सारी प्रजा को लेकर दर्शन करके आने वाले पहले ऋषि ययाति हुए। मैं ये कहानी इसलिए आपको सुना रहा था, ये पद्म पुराण में ये कहानी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पहले राजा इस संसार के ऐसे हुए जिन्होंने सारी प्रजा के साथ प्रजा के साथ तीनों लोगों का दर्शन किया। ये सारे आज के संसार में असंभव कार्य है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर राजा इस असंभव कार्य को प्रजा के साथ जो पाप पुण्य को जानती हो किसी भी तरह हो वो सारी चीजों को ले जा सकता है, तो अगर ये कि योग्य गुरु आपके साथ हो तो आपको भी सिद्धार्थ ले जा सकता है चाहे वो असंभव ना हो। अगर मैं मेरे गुरु के साथ सचमुच समर्पित भाव में हूं और ये मेरे 3 साल तपस्या में रहकर गुजारता हूं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने मेरा कहा हुआ वचन माना है, आपने मेरी कही हुई दीक्षा की है,
तो मैं भी ये बात आपको साफ तो साफ साफ कह देता हूँ कि मैं आपको, मैं जहां भी जाऊंगा चाहे हिमालय उसे दर्शन ले जाऊंगा, ये मेरा भी वचन है कि मैं मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ। हम असंभव या असमर्थ इस संसार में नहीं जिये, बहुत हो या जिये, बहुत जिये कि हमारे में असमर्थता है, हमारे जीवन में ये सब एक कार्य रहा, आज तक जो भी कार्य रहा हमने किया, लेकिन आप मेरे वचनों को, मेरे बातों को आप लेकर चलो, मैं वचन देता हूँ मैं आपको मेरे साथ ले जाऊंगा, मेरे साथ आप, मैं जहाँ जाता हूँ आपके साथ ही। मेरा अश्रुपूरित या भावनाबद्ध आपसे प्रार्थना है कि हम बहुत हो गया जी ले कि क्या इस संसार में मेरा मेरा पति मेरा पत मेरा ये वो सब काम करिए, एक बार गुरु जी के वचनों को याद करो। सिद्धाश्रम सारथ परिवार की स्थापना उन्होंने की थी, आज सिद्धाश्रम सारथ परिवार का नाम कहीं भी नहीं, आप जो भी नाम आए हैं वो दूसरे दूसरे नाम आए हैं। क्या गुरु के वचनों को लेकर हम चल रहे हैं? क्या शिष्य का कर्तव्य नहीं होता कि गुरु जी के वचनों को लेकर चले, क्या गुरु जी को लेकर आगे जाए, ऐसा उनका कर्तव्य नहीं? अगर है तो कौन पूर्ण कर रहा है, कौन पूर्ण करना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? और वह कार्य ही मैं चाहता हूं कि मैं करूं। मैं भी आपको कहता हूं, शायद हो सकता है मैं इस कार्य में करते समय मुझे अड़चने आए। अब कल आपने देखा सारा पंडाल मैंने ठीक किया था, हमारे प्रेम भैया पूरे आश्रम को लोगों को लगा लिया था कि भाई बारिश को रोको, आने की जितने भी प्रयत्न करना है करम, लेकिन गुरु ने 97 गुरु पूर्णिमा में भी कहा था, जोशी तू जिस मार्ग पर चल रहा है तेरे ऊपर सिद्धाश्रम के योगी भी ईर्ष्या करते हैं, शायद ये बात हर बार होती है। आपको आज तक के गुरुओं में प्रभु जी सदगुरुदेव जी के बात में किसी ने कहा है या नहीं कहा है, मैंने नहीं सुना। मैं गुरु जी और मैं इसके सिवा में दूसरे धुन में जाता ही नहीं, दूसरे गुरुओं के पास जाता ही नहीं, मेरा जो कार्य है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये असंभव भी कार्य है, अगर ये कर रहा हूँ और गुरु जी के वचन सत्य है, तो हमें भी अड़चने निर्माण होगी, हमारे में भी अड़चन निर्माण करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम कल आ रहे थे तो सब लोगों ने देखकर ये कहा कि ना गुरु जी बारिश उधर है ना बारिश इधर है, केवल फूली मावड़ी पे हमारे आश्रम पे एक बारिश पड़ रही है। अब इसका तो आप देख लिया कि कल किस प्रकार हम वहां से आए। और ये भी इतना भी एक बात जरूर कहता हूँ कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के भक्त लाखों हैं, लेकिन निखिल रथ यात्रा या तो योगी निर्मोही थे तब गुरु जी ने निकाली थी, या तो फिर अब रथ यात्रा गुरु पूर्णिमा को निकलती है, केवल निखिल चेतना केंद्र में निकलती है। और आज भूम के साधक हो, पहले मैं भूम के साधकों का ही नाम लेता हूँ क्योंकि पहली यात्रा उन्होंने आरंभ कर ली और वो मेरे लिए शान है। आज मैं बता देता हूँ निखिल चेतना केंद्र की भूम के साधक का, उसके बाद जितने भी साधकों ने रथ यात्रा निकाली है वो मेरे लिए उतने ही सफलदायक है। गुरु जी का ध्वज लेकर चलने वाले गुरु जी ब्रह्मांड में या सिद्धाश्रम में जहाँ भी हो या सिद्धाश्रम के योगी जहाँ भी देखते हो कि निखिल के चेतना केंद्र का स्वामी निखिलेश्वरानंद का झंडा फहराते हुए निकलना है, यही बात गुरु जी ने मंत्र तंत्र ज्ञान में दी थी कि निखिल का प्रचार सारे ब्रह्मांड में घूमेगा। ये पहला उसका अगर कोई पहला कारण हो या पहला करने वाला कोई हो तो वो केवल निखिल चेतना केंद्र है और यहाँ से ये कार्य आरंभ हुआ। हमारे ओझा जी भी 10 जगह घूम के आए, 10 निखिलेश्वरानंद के भक्त जी के पास जाके आए, तो उनको भी पूछो कि एक बार उठ के खड़े होके बोले कि कहाँ रथ निकलता है गुरु पूर्णिमा को, केवल निखिल चेतना केंद्र और कहीं रथ निकलता है तो खड़े होके बोल ले कहीं निकलता है, क्या खड़े होके बोलना निखिल चेतना केंद्र के सिवा कहीं निखिल रथ निकलता है क्या, निखिल चेतना केंद्र का रथ निकलता है क्या, इतने चलते हुए निकलते हैं क्या? हाँ नहीं निकलते हैं, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये मेरे लिए शान है, आज जितने भी पालकी यहाँ चलते हुए आ रहे हैं, जितना भी निखिल का नाम होते हुए नारायण धनी होते हुए आज आ रहे हैं, प्रभु कहीं भी हो, मेरे सद्गुरुदेव कहीं भी हो, वो एक एक झंडे को फहराते हुए देखकर आनंद अनुभव करते होंगे और कहते होंगे कि जोशी तो ऐसा ही झंडा फहरा देगा चाहे मेरे कितने भी दुश्मन हो मैं उन्हें देख लेता। मैंने भी बीड़ा उठाया है, मैं भी उस असंभव कार्य को संभव करके बताना चाहता हूँ। और जो मेरी दीक्षा का मार्ग आप अपना कर सकते हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे, हम सारे भारत के 52 शक्तिपीठों द्वारे ज्योतिर्लिंगों और हिमालय के उसको रोम कराएंगे जहाँ गुरु ने कहा था कि वहाँ देवता प्रत्यक्ष सिद्धि के साथ प्रत्यक्ष हैं, हम उसको देख कर आएंगे कि वहाँ प्रत्यक्षता है।
और हम बिना कष्ट के बिना कर्म के मैं ये नहीं मांग रहा हूँ, साधना और कर्म के साथ मांग रहा हूँ, मैं भी उपवास करूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी साधनाएं करूंगा, और हम उसको सार के बताएंगे जो गुरु मार्ग है, जो गुरु ने मार्ग बताया है। हम ये आने वाले अगले 3 साल हमारे लिए साधनात्मक 3 साल होंगे, और ये 3 साल आने वाले पीढ़ी का एक इतिहास रचेंगे, कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे और उन्होंने ऐसा ऐसा साधना मार्ग अपनाया था, ऐसा साधना मार्ग अपना कर ऐसे शिष्य तैयार किए थे जो साधना के मार्ग में आगे चलकर इस पूरे भारत का ही विश्व का भाग विश्व का भाग्य भी बदल सकने की क्षमता रखते हैं। मैं इसी उद्देश्य के साथ इस निधि चेतना केंद्र की स्थापना किया हूं, और यह साधना का तत्व साधना की गुण साधना की विधि आपको बताकर आगे चल रहा हूं। मेरा कथन एक ही है, हम असमर्थ नहीं जाएंगे और इस संसार में हमारे लिए असंभव कार्य नहीं होना चाहिए, ये बात अलग है कि हम संभव कार्य असंभव कार्य को छोड़ देंगे बात करेंगे, लेकिन कोई हमारे सामने ये बात ना कहे कि काम तुम्हारे से असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहने की क्षमता कोई ना रखे। हम हमारे जीवन में कार्य कर सके, इस एक कार्य को जिस दिन कर सके, हम निखिल चेतना केंद्र की स्थापना में और भरतपुर सदगुरु जी के शिष्य कहने में अपने आप को गौरव अनुभव करेंगे, नहीं तो हम भी वही घसी पीटे शिष्य आज भी चल रहे हैं, हजारों लाखों शिष्य हैं जो आकर तालियां बजाकर चले जाते हैं, ऐसे शिष्य मुझे नहीं बनना है, मुझे साधक शिष्य चाहिए, कर्मवान शिष्य चाहिए और आगे चलने वाले शिष्य चाहिए, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, चाहे मेरे शिष्य 500 से 1000 हो, 150 हो 200 हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे शिष्य में वो क्षमता हो, मेरे शिष्य में वो क्षमता हो कि असंभव कार्य को संभव कर सके। मैं आपके आपको इसी क्षण इसी बार में ये बात कहते हुए कहते हैं कि काल से सभी लोग बंधे हैं, काल से बंधे हैं, हर जीवन के आदमी हर जीवन में 3 चीजें बंधी हुई है, 1 जन्म, 2 मृत्यु और 3 विवाह, ये हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अड़चने निर्माण करता है, इससे सभी लोग बंधे हुए हैं, लेकिन क्या इस काल से छूटे हुए कोई लोग हैं, तो हैं, इस काल से छूटे हुए लोग हैं, जन्म से मृत्यु से और विवाह से छूटे हुए लोग हैं, हनुमान जी बोलो जन्म से छूटे हुए, आप चिरंजीव हैं, भीष्म लो जितने विवाह से छूटे हुए, तो क्या हम यह संभव कार्य का संभव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमारे में भी जन्म मृत्यु का, आज हनुमान जी की मृत्यु का बात कोई किसी ने सुनी है, किसी ने नहीं, भीष्म की मृत्यु अलग, चिरंजीव तत्व का अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में किसी ने सुना है, नहीं सुना है, ये चिरंजीव क्यों है, जन्म मृत्यु से काल को भी अपने पास बांध कर रखे हैं, तो हम भी परम पूज्य सद्गुरु स्वामी निखिलेशानंद जी की शिष्य हैं, हम भी काल को बांधेंगे और हमारा कार्य करके बताएंगे कि आज ये संसार में हो सकता है, और इस काल को बांधने की शक्ति या इस काल को किस तरह बांधा जाता है, हमारे जीवन में अगर लिखा हुआ है कि ये कार्य नहीं होगा, ये कार्य तुम्हारे से नहीं होगा, ऐसा कोई कहते हैं, तुम बहुत सारे लोग, मैं पढ़ा नहीं, पास नहीं होता, मैं ये कार्य में डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं गुरु नहीं बन सकता, मैं शिष्य नहीं बन सकता, मैं ये दीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पति को मेरे पति से सुख नहीं प्राप्त कर सकता, मैं पत्नी से सुख नहीं प्राप्त कर सकता, गुरु जी बहुत दुखी हूँ, ये तो छोटे छोटे कार्य है, बहुत छोटे छोटे कार्य। एक बार इसी तरह सहस्त्रार्जुन जो कार्तिक वीरार्जुन कहलाए जाते हैं, वे जब परशुराम जी के पिताजी का अपमान कर गए, उनके गले में उन्होंने मरे हुए सांप को डाला, और परशुराम जी को जब पता चला कि सारे उपद्रवकारी जो कार्तिक वीराजन के साथ सभी राजा थे, क्योंकि वो चक्रवर्ती था, कार्तिक वीराजन के नाम से डर जाते थे सब लोग, और सारे राजाएं उनका साथ दिया करते थे, परशुराम अकेले थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि कार्तिक वीराजन ने सांप डाला है अपने ऋषि के गले में, अपने पिता के गले में, तो उन्होंने पिता को जाके पूछा कि प्रभु इसका इतना क्यों गर्व, बोले हे परशुराम तो उसके पीछे मत जा, वो बहुत बहुत ही उसका चक्रवर्ती है, उसके बाद उसके साथ में सारे भूमंडल के राजाएं सब उसके साथ है, तो उसको नहीं, तब परशुराम को लगा कि सारे लोग घमंडी हो गए, अहंकार हो गया है, जब तक इनका अहंकार नहीं मिटाऊंगा मैं अपने काम, और परशुराम अकेले थे, सारा चक्रवर्ती तो सारा राज्य साम्राज्य एक तरफ था, असंभव था, अपने गुरु के पास गए और कहा इस असंभव कार्य को मैं संभव किस तरह कर सकता हूँ, तो ये काल का निर्णय है, तो कुछ नहीं कर सकता, बोले मैं उस काल को ही बांधना चाहता हूँ, और उन्होंने भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना आरंभ की, जब वे अपनी साधना आरंभ किए तो काल के सामने महाशिव जी के पास में बैठकर साधना करते हुए शिव जी को पूछ रहे थे कि मैं काल को जीतना चाहता हूँ, महाकाल को जीतना चाहता हूँ, बोलो मैं क्या कर सकूं, उन्होंने देखा कि महाकाल तो बहुत जोरों से आए और बोले कि मैं तू जो के चाहता है वो करूं, लेकिन उसके पीछे ही बहुत बड़ी काली का विग्रह आया और उसने शिव जी को नीचे पांव के नीचे दबाया, तू क्या कर सकता है, कर तो मैं सकती हूँ, ऐसी शक्ति बात महाकाली ने कहा,
माँ काली को देखकर कहा, हे माँ मैं क्या कार्तिक नारायण को दे सकता हूँ? वो गुरु भक्त के साथ साथ वो इस सारे संसार में अहंकार के साथ जी रहा है, लेकिन उसका एक वचन ये भी है, मैं जिस दिन अन्याय करूं उस दिन मेरी मृत्यु हो। उसने अन्याय किया है और उसको मृत्यु को प्रदान करने वाला मैं हूं, मैं उसको मृत्यु को देना चाहता हूं, लेकिन माँ क्या करूं, उसके पीछे सारे राज्य सारा राज्य पड़ा है, ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं अकेला मैं किस तरह कर सकता हूँ। तब राज्य तो युद्ध तो छिड़ गया। कार्तिक विजयन की तरफ से सुचंद्र नाम के एक राजा युद्ध कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को अपने फरसे से खुशामी ने काट दिया, लेकिन सुचंद्र के सामने जब गए कितने भी बाण मारने पर सुचंद्र कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा प्रशाम जी आघात अनुभव कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इसके पीछे कौन सी शक्ति है, मैंने महाकाल को लाने के बाद भी जब मेरे ऊपर इतने बाण छोड़ रहा है, क्या मैं सहस्त्रार्जुन को नहीं मार सकता? ये तो सहस्त्रार्जुन का सामंत राजा है, ये मेरे ऊपर युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने देखा कि सुचंद्र के पीछे भद्रकाली नाम की शक्ति खड़ी हुई और भद्रकाली हंस रही है, तहास कर रही है कि तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब प्रशांत ने अपने अस्त्र छोड़ दिए और कहा, माँ अगर तू अन्याय का साथ देते है तो मुझे मार, मैं अस्त्र छोड़ दिया हूँ, और अगर न्याय का साथ देते है तो मेरे पिता के प्रति अन्याय हुआ है तो उसका छोड़ने उसके इसको मारने का क्या विधान है ये मुझे बता दे। भद्रकाली ने कहा कि यह जब किसी परिस्थिति के साथ अगर सोया हुआ हो तब मैं इससे दूर होती हूँ हे परशुराम, तब इसको इसे मार गिरा देना। और भद्रकाली ने भी रहस्य कहा, परशुराम जी ने उसका वध किया, लेकिन परशुराम जी भद्रकाली के पास जाकर जो स्तुति उन्होंने की, कहा कि माँ मेरे लिए असंभव था लेकिन तू तो एक ही संभव कर सकी, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ इस संसार में असंभव था जब आए हम कुछ ना कर सकें, काली अपने को काल विजय देती है, तुम्हारे जीवन में आने वाला क्या है ये बता देती है, और दक्षिण काली इस संसार में यम धर्मराज को आने से रोकती है, नग्न काली इस संसार में तुम्हारे शरीर पर होने वाले रोगों को निकाल देती है, भद्रकाली एक ही ऐसी काली है जो तुम्हारी हरदम रक्षा कर सकती है, किसी भी स्थिति में कोई भी असंभवता तुम्हारे शरीर पे आ जाए तो तुम्हारी रक्षा कर सकती है, ऐसी काली को भद्रकाली कहा गया, भद्रता प्रदान करने वाली, रक्षा प्रदान करने वाली। अपने जीवन में कोई आघात करता है, अपने जीवन में इवन नवग्रह भी आघात करते हैं, कोई देवता भी, कोई ऋषि भी, कोई राक्षस भी, कोई तंत्र भी, कोई मंत्र भी, कोई भी आघात करता हो, लेकिन जब हम भद्रकाली को अपने साथ रखते हैं तो किसी का मजाल नहीं कि भद्रकाली के साधक को कोई मार सके। परशुराम जैसा आदमी उस सुचंद्र नाम के उस साधक को कुछ नहीं बिगाड़ सका और भद्रकाली को उनकी प्रार्थना करनी पड़ी, तो आप इस बात का विचार कर सकते हैं कि भद्रकाली आपकी रक्षा करने के लिए कितनी रूप से तत्पर रहते, तो उसका विधान क्या है, उसका उस साधना को किस प्रकार किया जाता है। मैं आज आपको इसलिए ये चेतावनी देते हुए भद्रकाली साधना दे रहा हूँ, आप मेरे साथ साथी आने वाले 3 सालों में साधना के लिए आएंगे, मैं जंगल में बैठा रहूंगा, आप मेरे साथ चलना होगा, आपको भूख नहीं रहेगी, आपकी रक्षा आपको करना है, अगर मैं मेरे साथ आप आए हैं मैं आपकी रक्षा में रहा तो मेरी साधना नहीं होती, आपकी रक्षा आपको करना है, इसलिए जो साधक चाहता है कि मेरे साथ आए या अपनी रक्षा आपको करना चाहता है, अपनी रक्षा में आप जीना चाहता है और अब वो मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करना चाहता है या मेरी साधना में मेरे साथ साधना करना चाहता है, अपने आप को रक्षित करना चाहता है, वो भद्रकाली साधना जरूर संपन्न करें। वही साधना आपको मैं अभी 10 मिनट के बाद दे देता हूँ, उस साधना के लिए जो साधना इस संसार में असंभव कहलाई जाती है और आज तक केवल मूर्ति की पूजा भद्रकाली की है सभी ने, लेकिन परशुराम पर तो भद्रकाली साधना किसी ने नहीं की, वो साधना आपको मैं 10 मिनट में करने के लिए देता हूँ, तब तक हम 1-2 भजन सुनेंगे, उसके बाद भद्रकाली साधना आपको दी जाएगी। भद्रकाली की साधना की सामग्री आप स्टेज से ला सकते हैं, साधना यही करवाऊंगा आपको, आपके जीवन की रक्षा के लिए जो साधना मेरे साथ करना चाहते हैं, जो इस संसार में मेरे साथ साधना में आ जाते हैं, आपकी रक्षा आपके घर की रक्षा करना चाहते हैं, जैसा यह नहीं प्रजा को सारी प्रजा को ले गया वो भी भद्रकाली साधक था, अगर स्वर को ले सकता है, पाप पुण्यों को ले सकता है, तो ये भद्रकाली साधना आपके परिवार की रक्षा है, आपकी रक्षा है, आपके लोग की रक्षा है, आपके गाँव की रक्षा है, इस साधना को करने वाले साधक आपकी रक्षा आप करते हुए 4 लोगों की रक्षा भी कर सकने की शक्ति रखते हैं। ये साधना 10 मिनट में दी जाएगी, तब तक